press the bell icon on the YouTube app and never miss an... पाकिस्तान, आपने कश्मीर की बात करी, पाकिस्तान ने कश्मीर की डायनेमिक्स कभी नहीं समझी, क्योंकि पता है क्यों नहीं समझी आपने? कश्मीरियों का दिमाग आपने कभी नहीं समझा। उसका रीजन है आरजू जी, क्योंकि आपके पास जो एरिया है ना वो 90% जम्मू है, वो कश्मीर नहीं है। अगर आप मैप देखेंगे जो पाकिस्तान ने लिया है हमसे, ऐसा जो फोर्सिबली ऑक्यूपाई करा है वो आरजू जी, दैट इज 90% जम्मू। वहां पे गोजरी बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे, डोगरी बोलेंगे, वहां पे कश्मीरी थोड़ा ना बोलते हैं। कश्मीरी तो आपका छोटा सा पॉकेट बोलता है आपके मुजफ्फराबाद में, कुछ कुछ लोग कश्मीरी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके लोग जो हैं वहां पे दे डोंट स्पीक कश्मीरी देयर, बिकॉज वो जो एरिया है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, दैट इज लार्जली जम्मू, दैट इज नॉट लार्जली कश्मीर। अच्छा, लड़ाई आपकी एक्चुअली कश्मीर की है, क्योंकि आप उस एरिया को आजाद कश्मीर बोलते हैं। लड़ाई कश्मीर की है, वो कश्मीर है नहीं एक्चुअली वो एरिया, मगर लार्जली जम्मू। जैसे आप बुक्स की बात कर रहे हैं तो जहां तक मुझे याद पड़ता है परवेज मुशर्रफ की जो बुक है उसमें उनसे कोई इंटरव्यू किया गया था उसके बाद, और कुछ पूछा गया था कि जी आपने ये लिखा है बुक में, या कोई इस किस्म का सवाल था उनका, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे याद नहीं, लेकिन ये कि उनसे पूछा गया था, इंटरव्यू मिल जाएगा यूट्यूब पे शायद, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसी कोई बात की नहीं। तो उन्होंने कहा आपकी तो बुक में लिखा हुआ है, आपने खुद बुक में लिखा है, तो इन लोगों को तो खुद मालूम नहीं होता इनकी बुक में क्या लिखा है। तो आप कैसे बिलीव करेंगे कि जो कुछ लिखा है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ ने लिखा हो या किसी ने, तो वो सच में उनको पता होगा या उन्होंने ही लिखा है? हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन सी बात है, लोग किसी और से लिखवा लेते हैं और प्रिंट हो जाती है बुक। नहीं बिल्कुल आरजू जी, मुझे देखिए, मैं मानता हूं कि जिसके ऊपर जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम है जिस किताब के ऊपर, ही विल टेक ओनरशिप। क्योंकि अगर मैं आपको एक ईमेल लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ईमेल लिखता हूँ कि यू नो रिस्पेक्टेड आरजू जी, ये है रिगार्ड्स मेजर गौरव आर्या, इसका मतलब मैं उस ईमेल की ओनरशिप ले रहा हूँ, ये मैंने आपको भेजी है, उसके अंदर मैंने जो लिखा वो मेरी जिम्मेदारी है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। मैं ये मानता हूँ, अब मुशर्रफ साहब ना लें जिम्मेदारी तो उसके ऊपर, तो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता है इसके ऊपर, तो बट आइडियली एज अ जेंटलमैन यू शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी, लिखा है उसमें, उन्होंने खुद बोला भी है। देखिए एक इंटरव्यू है आपके वजाहत खान साहब, एक हैं बड़े मशहूर टेलीविजन एंकर हैं पाकिस्तान में वजाहत खान साहब, और बड़े अच्छे इंटरव्यूज उन्होंने, लता जी का भी इंटरव्यू करा है, और मतलब और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं वो, दुबई बैठ जाते हैं। उन्होंने एक टाइम पे वो इंटरव्यू भी बनाए थे जो वो बता रहे थे नवाज शरीफ साहब के बाथरूम वगैरह में भी बैठ गए थे कि गोल्ड के हैं और पता नहीं क्या क्या इस किस्म की हरकतें भी करते हैं वो। चलो नहीं, बढ़िया चीज है। नहीं देखिए, अगर गोल्ड का बाथरूम होगा तो कौन वहां पे इंटरव्यू नहीं करना चाहेगा सर, मैंने तो आज तक देखा नहीं जिंदगी में गोल्ड का बाथरूम। तो आरजू जी ऐसा है कि वजाहत खान साहब ने एक जनरल परवेज मुशर्रफ से एक इंटरव्यू करा था जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब ने कई सारी चीजें बोली हैं, मुझे मिलेगा मैं आपको भेजूंगा। एक जब वो प्रेसिडेंट थे तब एक और खातून थी वो इंटरव्यू ले रही थी उनका, और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये बोला है कि मेरी रेजिमेंट के, परवेज मुशर्रफ साहब की रेजिमेंट के एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले, वो मर्सनरी बन के गए अफगानिस्तान लड़ने के लिए रूसियों के खिलाफ। वो कह रहे हैं मैं जानता हूं मेरे सामने लड़ने गए थे मेरी रेजिमेंट के, तो कोई अपनी रेजिमेंट के बारे में तो झूठ नहीं बोलेगा कम से कम एज अ सोल्जर। अगर आप ये कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि मेरी रेजिमेंट मर्सनरी मतलब भाड़े के जो फौजी होते हैं जो पैसा लेकर जाते हैं, वो पैसा उन्होंने लिया और फिर पैसा लेके वो लड़ने गए अफगानिस्तान, तो ये प्रोफेशनल आर्मीज ऐसा नहीं करती, यू नो यू डोंट डू दिस। मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हर जगह साफ और पाक है, इंडिया ने कोई गलत काम नहीं करा, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, क्योंकि हर एक मुल्क अपने फायदे के लिए गलत काम करता है, अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया, कोई भी हो, अपने फायदे के लिए गलत काम करता है। पर मैं ये आपको कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी ने गलत काम नहीं करा, ये नहीं करेंगे कभी, ये इनके दिमाग में बात नहीं आएगी कभी ये करना। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल है ये चीज जो है वो पाकिस्तान को सीखनी चाहिए इंडियन आर्मी से। लेकिन सर साथ साथ आप लोगों को, अब क्योंकि आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, तो ट्विटर ने जो है चैलेंज किया है, आप लोगों ने कुछ कहा है उनको कि जी ये कंटेंट ना आए या ये पोस्ट ना आए, कुछ इस किस्म की बात हुई है? तो ये तो एक तरह से पाबंदी नहीं लगा रहे आप लोगों के ऊपर कि वो बात नहीं कर सकते, या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहलाती है? हाँ बिल्कुल, पाबंदी है, होनी भी चाहिए। मैं नहीं मानता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एब्सोल्यूट, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। ठीक है, बात यह होती है कि
ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एडिटोरियल कंट्रोल नहीं होता अर्जुन जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हम लोग, जैसे कि मैं रिपब्लिक टीवी के लिए काम करता हूं, तो कोई भी न्यूज आएगी वो एडिटोरियल पे जाएगी, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, उसका चेक होगा, और ये इंश्योर करा जाएगा कि जो भी हम लोग देते हैं टीवी पे न्यूज, वो जेन्युइन न्यूज हो, हमारे व्यूअर्स को कोई गलत न्यूज ना मिले। एक एडिटोरियल कंट्रोल, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द एडिटोरियल लाइन, किसी भी न्यूज आइटम में हम कौन सी लाइन लेंगे, या फिर वो न्यूज कितनी पुख्ता है, कितनी सच है, ये सब जांच पड़ताल, और मुझे लगता है कि सारे टीवी स्टूडियोज ऐसे ही करते हैं सारे अखबार। लेकिन अगर मैं हूं ट्विटर पे, और मेरे माना कि 10,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, राइट, तो मैं तो खुद एडिटर इन चीफ हूं अपने ट्विटर हैंडल का। वो बढ़ते बढ़ते अगर लाख लाख दो लाख तीन लाख मेरे फॉलोअर्स हो गए अर्जुन जी ट्विटर पे, आप सोचिए, सोचिए, हो गए, ठीक है। और मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग टाइप का है, गलत डायरेक्शन में मेरा दिमाग चला गया फॉर एग्जांपल, और मैंने बोल दिया कि आज ये हुआ था और ये वाकया हो गया, और दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हो गई यहां पे, और मैं कहीं अफगानिस्तान या यमन का कोई वीडियो डाल देता हूं डॉक्टर करके, और लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये चीज इंडिया में हो रही है, और मानिए कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, आप समझ लीजिए कि कितना गलत इसका तासुर जाएगा, कितना गलत इसका इंपैक्ट होगा, कितना गलत ये सब चीजें होंगी। तो मैं ये मानता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट, कई लोग ऐसा, ये गधे हैं, ये इनको कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एब्सोल्यूट। अमेरिका ने तो ट्विटर ने क्या, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का बंद कर दिया, जो ट्विटर इतनी बकवास कर रहा है आज की तारीख में इंडियन गवर्नमेंट ने, आपने डोनाल्ड ट्रंप का फिर ट्विटर हैंडल क्यों, एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट, तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट नहीं है, इंडिया में इनको एब्सोल्यूट चाहिए, क्यों, अपने प्रेसिडेंट का, फॉर्मर प्रेसिडेंट का इन्होंने ट्विटर हैंडल ही वो कर दिया, गायब कर दिया, क्यों, व्हाई, दे हैव डन इट, क्योंकि उनको लगा कि ये अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी चीजें कर रहा है जिससे एनार्की फैलती है, फितना फैलता है, तो उसको रोको, बंद कर दिया उसको। कई कई लोग हैं जिनके ब्लूटिक हैंडल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका बिल्कुल बंद कर दिया, क्यों, बिकॉज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल्कुल ठीक कहता है, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी एब्सोल्यूट अर्जुन जी। आप हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने सुना होगा फिल्म थी काली, आपने पता नहीं देखा नहीं, कनाडा में, कनाडा में एक इंडियन इंडियन ओरिजिन की एक लेडी है जिन्होंने फिल्म बनाई है काली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वहां पर काली माँ को दिखाया है सिगरेट पीते हुए, गे प्राइड का फ्लैग के पीछे। देखिए बात यह होती है ना कि ये सारे जो अपने तजुर्बे करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सारे के सारे, ये लोग हिंदूज के साथ ही करते हैं, मैं बता रहा हूं इनकी, वो जो लेडी है, मैं आपके यूट्यूब चैनल से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैम आप बनाइए किसी और मजहब पे, ऐसे ही किसी और मजहब के जो अजीम शख्सियत हैं उनका बनाइए, हाथ में सिगरेट लेते हुए, मुंह में सिगरेट और पीछे गे प्राइड का फ्लैग, मैं आपको वीडियो पे कमेंट कर रहा हूं, आपके लिए पैसा मैं इकट्ठा करूंगा आपकी फिल्म के लिए, आप एक बार बना के देख लीजिए। तो अगर आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए तो एक बार बोल के देखिए ना हमें। देखिए बात यह ना कि हिंदू जरा सॉफ्ट टारगेट अर्जुन जी, ठीक है, आपको पता है कि ठीक है इजी गोइंग है, अपनी जिंदगी में लगे हुए, इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे इन्होंने कालीमा की ऐसी फोटो बनाई, ये जो MF हुसैन था पेंटर, उसने नेकेड फोटोज बनाई, ठीक है। आपने देखा वहां पे क्या हुआ जब फ्रांस में प्रॉफिट मोहम्मद के खाके बनाए गए, उन्होंने चाली हद्दों में 10-12 लोगों को मार दिया, जो टेररिस्ट गए थे उन्होंने जान से मार दिया। पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में आग लग गई पूरे लाहौर में, आपने देखा होगा लाहौर शहर में आग लग गई, 2 हफ्ते तक, 1 हफ्ते तक जलता रहा शहर, कितने मारपीट हुई, ये लबैक वाले आ गए पूरे। तो इंडिया में कभी आपको ऐसा रिएक्शन नहीं दिखेगा हिंदूज में, इसलिए हिंदूज को हर समय लोग ना ग्रांटेड लेते हैं। इसमें लेफ्ट विंग वाले हिंदूज भी हैं, ये जो जिसने बनाई है शी इज नॉट अ मुस्लिम, दिस लेडी इज नॉट अ मुस्लिम, ये मुस्लिम नहीं है लेडी, ठीक है, आई डोंट नो वेदर शी इज अ हिंदू और क्रिश्चियन, आई डोंट नो, बट शी सर्टनली नॉट अ मुस्लिम, राइट, मे बी हिंदू 90% हिंदू योगी है। तो ये आसान चीजें हैं करना हिंदूज के लिए, आप करके दिखाइए इस्लाम के खिलाफ, ऐसे ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सड़क पर, कपड़े फाड़ के आदमी को घर का पता नहीं पता लगेगा। तो ये सब ये फालतू, ये देखिए ये ट्विटर उटर ना आप सीरियसली मत लीजिए, ये फालतू की बकवास करते हैं, इनसे बोलिए ना एक बार करके देखें, एक बार करके देखें, पैसा मैं जबान दे रहा हूं आपकी शो में आरजू जी, मैं इकट्ठा करूंगा, कितना, मैं जाऊंगा मांगने के लिए पैसा,
कितना चाहिए आपको, $1 million, $2 million, $3 million, मैं इकट्ठा करके दूंगा, मैं इकट्ठा दूंगा, सबसे पहला चेक मैं डालूंगा अकाउंट में, ये बना के बताए पिक्चर लीना जो भी नाम है उसको, नाम भी नाम तक नहीं ले पाएंगे, ये पिक्चर बनाना तो दूर की बात है, इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है जो कुछ होता है उसके बाद